तो पति बाबू क्या मुंशी जी वो आदमी है जो घूंघट वाली औरत बनकर आए थे माँ पूजा में? औरत बनने के लिए वो मूछें निकाले होंगे उन्होंने। तो मुंशी जी है वो जो लड़की के साथी है। महापूजा में भी हमारे जान पहचान के सब लोग थे, बस मुंशी जी नहीं थे। उन्हें आपने वृंदावन भेजा था ना काम से? आपको वृंदावन जाना है और वहाँ पूछना है कि क्या माँ का कोई सामान छूट गया था। हाँ, इसीलिए वो घूंघट वाली औरत बनकर आए थे माँ पूजा में, ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके और कोई उन्हें देख ना सके। हाँ, और उस लड़की से मिले भी वो, बात भी कर रहे थे, जरूर मदद करने आए होंगे उसकी। और जब आप उनके पीछे गए तो वो बाहर निकले वहाँ से, और जब आप घूंघट वाली औरत के पीछे गए थे वो बहुत देर बाद भी किसी को भी नहीं पता था कि आप कहाँ हैं। पर आपको तो इस जख्मी हालत में आपको घर वापस कौन लाया? मुंशी जी। और जिस दिन आपने उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए तिजोरी को खोलने के लिए कहा था, आपने कहा था कि सिर्फ काका ससुर जी और सासू माई जानती है तिजोरी की चाबी, पर मुंशी जी ने तो इतने साल काम किया है काका ससुर जी के साथ, तो वो भी जानते होंगे ना चाबी को। अब समझ आया मुझे पति बाबू, वो लड़की तिजोरी इसीलिए खोल पाई क्योंकि मुंशी जी ने मदद की थी उसकी। अलमारी गिराकर सबका ध्यान भटकाया उन्होंने। मुंशी जी से ये आशा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं। हम सब कितना भरोसा करते हैं उन पर, परिवार का हमेशा हिस्सा माना उन्हें और उनके परिवार को भी, फिर क्यों गलत किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा? क्यों चोट पहुंचाया आपको? क्यों साथ दिया उस लड़की का? अरे आप चिंता मत करो पति बाबू, अभी जाकर काका ससुर जी और ससुर जी को बताती हूँ कि इस झूठी लड़की के साथ ही मुंशी जी हैं। आज देखना उस लड़की का सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी मैं। तुझे रॉय चौधरी हवेली मैंने किस लिए भेजा था? ताकि तू सौरभ के एहसान का फायदा उठा पाए, ठाट से रानी बनकर रहे इस हवेली में। लेकिन नहीं, तुझे तो बेचारी नौकरानी बनना था। क्या मिला तुझे बेचारी बनकर, बोल? तुझे यहाँ से कोसों दूर भेजना चाहते हैं ये लोग। अरे एक बार भी तेरे लिए सोचा इन्होंने? नहीं ना, जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। सोचा क्या इन्होंने? नहीं, क्या सही मौका मिला था। अनिरुद्ध बाबू ने तेरी जिम्मेदारी लेने की बात की थी, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तू बेवकूफ, सब मिट्टी में मिला दिया तूने। अब क्या होगा, किच्छू हो बिना कौन? इन सब बातों का फायदा है क्या? अनिरुद्ध बाबू बीमार पड़े हैं और कौन मदद करेगा हमारी? अब चुप करो, चुप करो। ठीक तो कह रही है बोंदिता, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? बिनोय बाबू। हाँ, बिनोय बाबू संपूर्ण तेरी तरफदारी कर रहे थे त्रिलोचन बाबू के सामने। जब बिहारी से तेरी विवाह की बात चल रही थी तब हम संपूर्ण बिनोय बाहू ने तेरे, मेरा मतलब कहीं बिनोय बाबू ने तुझे। जी माँ, कैसी बातें कर रहे हो,
ऐसा कुछ नहीं है। बिनोय मालिक तो बस थोड़ी परवाह करते हैं मेरी, संवेदनशील है मेरे लिए। त्रिलोचन मालिक जो मुझे करवा करवा सुनाते हैं ना, बस उनको बस दया आती है मुझ पर। संपूर्णा तू पागल ना की, लक्ष्मी जी खुद आके घर का दरवाजा खटखटा रही है और इस जड़बुट्टी को देखो, आंख कान बंद करके दीवार पे अपना सर घुसा के बैठी हुई है। संपूर्णा तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? संपूर्णा देख मेरी बात अच्छे से समझना, होली बनके क्या मिला तुझे? बिहारी जैसे नौकर से शादी ना, लेकिन बेटा अब नहीं, तुझे चंट और चालाक बनना पड़ेगा। समय आ गया है अब तेरा रंग ढंग बदलने का। ये याद रखना, मेरी बात मानकर सही ताव खेलेगी ना, नौकरानी से रानी बन जाएगी तू। क्या हुआ पति बाबू, कुछ कहना है आपको? पति बाबू आप लिख कर बताएंगे मुझे? फर्क पड़ता तूने मुझे ये सिखाया, पर यहाँ तो सबने मेरे लबों पे ताला लगाया। साथ जब से तेरा छूटा कोई ना साथ में आया, तूने रक्षा की हमेशा, अब अकेली हुई मैं, जग अंधेरा तू सितारा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। रुको रिश्ता तेरा मेरा, रुको उनका सच, रुको उनका सच सामने लाना है। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनिरुद्ध जमाय बाबू और बोंदिता ने मुझे सहारा दिया है, मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकती। आज बोंदिता छोटी है, कल बड़ी होगी, उसका अपना परिवार होगा। सौरव के किए हुए एहसान को ना धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, तब क्या होगा तेरा? बोंदिता के बच्चों की दाई माँ बन के रह जाएगी तू। चाहिए क्या तुझे ऐसी जिंदगी? या बिहारी जैसे अठेर नौकर से शादी करके तू खुश रह पाएगी? नहीं ना। देख दोनों ही सूरत में ना तेरी जिंदगी उस पैरों के नीचे आने वाले कीड़े मकोड़ों से कम नहीं होने वाली है। तो समय अब है अपने बारे में सोचने का। देख संपूर्णा, तू मेरी बात मानेगी तो तेरा भविष्य बदल जाएगा, ऐशो आराम से रहेगी तू, रानी बनकर इस हवेली में राज करेगी तू। अब तक हमने जितना अपमान सहा है, सबके जवाब सिर्फ तू दे पाएगी संपूर्णा। अब बेटा ये तेरे हाथ में है कि कैसे बदलेगी तू अपनी जिंदगी। कंकर पत्थरों पे चलना है तुझे या हीरे मोतियों से सजना है? रुको उनका सच सामने, हाथों उन्हें हाथ पकड़ना। पति बाबू क्या लिखा है पति बाबू ने? रुको उनका सच सामने लाना है तो रंगे होगा उन्हें, उनका सच।
सच सामने लाना है तो रंगे हाथों पकड़ना होगा उन्हें। कैसे पति बाबू? जैसा आप चाहते वैसा ही करूंगी मैं। मुंशी जी को रंगे हाथों पकड़ूंगी मैं और पता करूंगी कि क्यों तोड़ा उन्होंने हमारा विश्वास, क्यों किया उन्होंने हमारे साथ। अकेले ही करूंगी झूठ का पर्दाफाश। आपकी तबीयत जो ठीक नहीं है। कहे पति बाबू की इस बिगड़ी हुई तबीयत का कारण मुझे ही तो नहीं है। इससे पहले कि किसी को मेरा सच पता चले, अनिरुद्ध बाबू को जहर की आखिरी पुड़िया खिलवाकर जान से मार दूंगा मैं आज। आप चिंता ना कीजिए लोचिंदा, मेरे व्रत का यह आखिरी खीर प्रसाद है। इसे खाते ही गोपाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना। सच कह रही हो बहन? जानो ना, माँ की तपस्या से बच्चे के जीवन पे बड़ा खतरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। हाँ बहन, सच कहें तो एक तुम ही हो जिसे सबसे ज्यादा चिंता है इस घर में अनिरुद्ध की। माँ माँ ही होती है। ठीक है, चलो हम ले चलते हैं अनिरुद्ध के पास, खिला दो उसे प्रसाद। चल। आज होगा मेरे बेटे के मौत का बदला पूरा। कैसे पकड़ू मुंशी जी और उस लड़की को रंगे हाथ? क्या करूं? दूर है पर तेरा साया है मुझको, जाने क्यों भरोसा है तुझ पे। मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तो। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू, फिर भी मिल ही जाएंगे, मिले जैसे सांझ और सवेरा। तू पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता देखना कैसे दंड दिलवाती हूँ मैं काका सुशी से। बहू आ,
आओ शुभ्रा बहन। शुभ्रा बहन से खीर लेकर अनिरुद्ध को खिला दो। मुंह में प्रसाद जाते ही हमारा अनिरुद्ध उठ खड़ा होगा और हमारे गले लग जाएगा। नहीं, ये खीर नहीं खिला सकती मैं पति बाबू को। जरूर इस लड़की ने इसमें कुछ मिलाया है जिसकी वजह से पति बाबू की तबीयत खराब हुई है। पहले दो बार हम चाह कर भी उसे रोक नहीं सके, पर इस बार मैं पति बाबू को ये नहीं पीने दूंगी क्योंकि अब मुझे पूरा सच पता चल चुका है। अभी आराम कर रहे पति बाबू, जब वो जागेंगे तब खिला दूंगी मैं उन्हें ये खीर। नहीं नहीं बहू, अभी खिला दो। मेरा मतलब है कि अभी खिला दो, वो नक्षत्र पीट जाएगा तो फिर असाद का असर नहीं होगा ना। और अभी मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती हूँ। लोचंदा, आप उठाइए ना गोपाल को। हाँ हम उठाते हैं बहन। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा, देखो देखो जाग गया। बहू तुम ना जैसे चम्मच से पानी पिलाती हो वैसे ही चम्मच से प्रसाद खिला दो। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। क्या करूं, ये खीर पति बाबू को नहीं खिला सकती और सबके सामने मना भी नहीं कर सकती, वरना मुंशी जी और ये लड़की चौकन्ने हो जाएंगे। अब मुझे खीर खिलाने का नाटक करना होगा। बहू
आओ बहन। अरे संभाल के करो बहू, खिला दी? हाँ, खत्म हो गई सारी खीर। ये छोटी सी लड़की किस होशियारी से अपने पति का सुरक्षा कवच बन के खड़ी है, पर आज मुझे किसी भी तरह अनिरुद्ध बाबू को खत्म करना ही है। क्या पता इस खीर के कारण ही तबीयत खराब हो रही हो पति बाबू की। अब और खतरे में नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने पति बाबू के जीवन को। दूर पर तेरा साया है मुझ पे, भरोसा क्यों जाने तुझ पे। चाहे कुछ हो, आज मुंशी जी और इस लड़की की मिली भगत का सच सामने लाकर ही रहूंगी मैं। बस बोंदता, तुमने कितने अच्छे से सब संभाल लिया। मेरे रहते आपको कुछ नहीं होने दूंगी पति बाबू। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.